किसान आंदोलन से जुड़ी खबर बता दें, 28वां दिन है, लेकिन इस बीच सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है उस पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई गई है। 5 सदस्य कमेटी है जो कि सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेगी, फिर उसको जो 40 मेंबर्स है उनके बीच में रखा जाएगा। कमेटी ये तय करेगी कि सरकार से बातचीत हो या नहीं हो, इसको लेकर वो कमेटी फैसला लेगी। फिर उसी फैसले को 40 किसान यूनियन के नेताओं के साथ डिस्कस किया जाएगा। बातचीत के ड्राफ्ट पर कमेटी 2 बजे चर्चा करेगी। 1:30 से 2 बजे का वक्त है जब इस पर चर्चा होनी है। बातचीत की रूपरेखा क्या हो, किसानों की कमेटी ये तय करेगी किस तरीके से आगे बढ़ना। इस बीच ये भी बताएं कि राजनाथ सिंह ने भी किसानों से कहा है कि आंदोलन वापस ले, अपील उन्होंने की है। ये भी कहा कि बातचीत का रास्ता खुला है और बातचीत के जरिए बात बन सकती है। किसानों का आंदोलन इस बीच लगातार जारी है, 28वां दिन है। किसानों ने टीम बनाई, बातचीत के लिए ड्राफ्ट तैयार किया, सरकार के प्रस्ताव पर मंथन करेंगे। तो उधर सरकार की तरफ से भी किसानों को मनाने की कवायद लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील की है योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि आज किसान दिवस है। इसी पर लखनऊ में किसानों को सम्मानित भी किया है, ट्रैक्टर उनको बांटे गए हैं। राकेश टिकैत हमारे साथ है। बातचीत सरकार से होगी नहीं होगी उस पर आज फैसला हो सकता है, क्या कोई फैसले की उम्मीद की आज आप लोग बैठ करके ये तय करें कि सरकार से उनके प्रस्तावों पे बात होगी नहीं होगी? नहीं नहीं, हमने तो करा की ना प्रस्तावों पे बात, प्रस्तावों पे तो हमने मना कर दिया था ना कि सरकार अगर कंडीशनल बात करना चाहती है तो अभी तो हमारा ये है कि वापसी सरकार करती हो तो ही बात करें। तो कल भी कई घंटों की आपकी संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई, आज भी बैठक होनी, तो बैठक का एजेंडा क्या? बैठक का तो एजेंडा ये है कि सरकार हमसे बात करे और सरकार से कब बातचीत हमको करनी है। उनका प्रस्ताव ये भी आता है कि हम बिल वापसी ले लेंगे और आप पहले बात कर लो बैठ के, लेकिन सरकार अगर कंडीशनल बात करना चाहो कि बिल तो वापसी होंगे नहीं बात कर लो, तो मुझे नहीं लगता कि उस कंडीशन पे कोई बात करेगा उनसे। तो सरकार तो कहती है कि आप भी अड़े हुए हैं, आप कहते हैं सरकार अड़ी हुई है। नहीं, सरकार ही तो अड़ी है ना, सरकार क्यों पहले कहती है? भाई अंदर हाउस में बैठ के मकान में क्या बात होगी, उसको आप बाहर अगर अपना डिसीजन आप सुना दोगे पहले तो गलत चीज है ना। अंदर बैठ के क्या बात होगी, फैसला अंदर होगा ना बैठ के मकान में। तो ऐसा भी है कि कुछ लोग चाहते हैं बातचीत हो, कुछ लोग चाहते हैं कि अभी बातचीत ना हो जब तक सरकार ना माने। नहीं नहीं, सभी लोगों का एक मत है कि जब सरकार ये कहेगी कि अंदर बैठ के बात कर लेंगे और वो अपना अड़ियल रूप छोड़ देगी, वो ये ना कहे ना कि हम बिल तो वापसी कर लेंगे नहीं बात कर लो, तो इसका मतलब हम जो उसमें अमेंडमेंट होने हैं उस पर हम बात करना चाहते हैं, उस पर हम कोई बात करना नहीं चाहते। वो तो हमने 6 दौर की वार्ता में ये बता दिया था।